मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करेंगे राहत वाली खबर की। उम्मीद ये की जा रही है कि ट्रक ड्राइवर जल्द ही काम पर लौट आएंगे। गृह मंत्रालय ने ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से बात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि जब तक उनसे बात नहीं की जाएगी, नए कानून के प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने ड्राइवर से काम पर लौटने की अपील की है। ट्रक ड्राइवरों की दो दिनों की हड़ताल का हंगामा बढ़ता रहा और लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी। सरकार फौरन एक्शन में आई। गृह सचिव ने ट्रांसपोर्टर कांग्रेस के प्रतिनिधियों को बुलाया और आगे बढ़कर बातें की। बातचीत में ट्रांसपोर्टरों और सरकार के बीच सुलह हो गई। गृह सचिव ने कहा कि अभी ना कानून लागू हुआ और ना ही प्रावधान, और जब भी होगा पहले बात की जाएगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने भरोसा दिलाया तो ट्रांसपोर्टरों ने भी ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की। जो मीटिंग हुई है, जिसमें कि गृह सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो 10 लाख की सजा और जो जुर्माना है, ये कानून अभी लागू नहीं है। और हमें बताया गया कि ये कानून आगे भी नहीं लागू होगा और ये स्पष्टीकरण मिल चुका है। हम अपने चालकों से अपील करते हैं कि आपकी चिंता हमारी चिंता है, आपका डर हमारा है। ये चिंता दूर हो चुकी है, डर दूर हो चुका है। आपसे अपील है कि अपने वाहनों पर आए और अपने वाहन बेडर होकर चलाएं। इससे पहले देश के कई राज्यों में ट्रक ड्राइवरों के बंद का असर दिखा। महाराष्ट्र भी इससे अछूता नहीं रहा, जिसका महाराष्ट्र के भी कई जिलों में बंद की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोज की जरूरत की चीज दुकानों तक पहुंचने में दिक्कत हुई, तो वही पेट्रोल और डीजल भी समय से नहीं पहुंचने की वजह से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को मिली और लोगों की अच्छी खासी भीड़ भी। 3 दिन का स्ट्राइक कॉल किया गया था, कल ये स्ट्राइक शुरू हुई थी। इसका असर आज महाराष्ट्र में ये देखने को मिल रहा है कि फिलहाल पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो चुके हैं। दादा, आपके पेट्रोल पंप पे कितने बजे से पेट्रोल नहीं है? रात को 12 बजे 3 बजे ड्राई हो गया, 4 बजे ड्राई हो गया था। अभी आसपास है पेट्रोल, आपने कुछ पता किया है? आसपास में बाइक वाले बोल रहे कि नहीं है, किधर है पेट्रोल, बाइक वाले बता रहे हैं। यहाँ पर आसपास हम माहिम के इलाके में हैं, यहाँ पे 5 पेट्रोल पंप के आसपास जो इलाके हैं में पेट्रोल पंप है, वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं पेट्रोल। वही महाराष्ट्र के बड़े अनाज और फलों की मंडी में हड़ताल की वजह से 70% कम माल सप्लाई हुआ। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से पेट्रोल की किल्लत भी हुई और पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों में सड़कों पर ट्रक की लंबी कतारें दिखी। वहीं हुड़दंगियों को काबू में करने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं पे भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण नहीं हो, कहीं पे भी कोई स्मूथ व्हीकुलर मूवमेंट को बाधा नहीं पहुंचे, इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से नियोजन कर चुकी है। साथ साथ जो एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई पे बाधा पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है, वो किसी प्रकार की नहीं हो, इसलिए हम संबंधित विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन में आवश्यक उपाय योजना कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पे बंदोबस्त लगाया जा रहा है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर सियासत भी हुई। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की है। ये गरीब आदमी जो इसके भरोसे अपना पेट पालता है, अपने फैमिली को पालता है, ऐसे लोगों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने जो कानून उठाया, कानून किया है, ये कानून का हम सख्त विरोध करते हैं। ये कानून पीछे लेना चाहिए और ड्राइवरों ने जो आंदोलन शुरू किया है उसको भी हम पूरी ताकत से पाठिंबा, हम उसको सपोर्ट करते दर्शाते हैं। सरकार के भरोसे और ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की अपील के बाद उम्मीद है कि अब जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी। मुंबई से विद्या के साथ दीपेश त्रिपाठी आज तक